हेलो माय ब्यूटीफुल वाइटी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका टाइम टू एक्सपोज विद मनीता के पॉडकास्ट में। तो गाइस, मुझे इस डीजे रबर को देखकर, सुनकर और इनके चिल्लम्स को देखकर कभी कभी इतनी हंसी आती है कि बस क्या बताऊँ मैं, है ना। मतलब कुछ दिन पहले जहाँ इस डीजे रबर की छोटी पूतना का कहना था कि मेरा पति किडनैपर है, अत्याचारी है, नहीं नहीं पति नहीं, कागजी पति है, किडनैपर है, अत्याचारी है, मेरी गली से गुजरा, मुझे मारने की कोशिश की, मेरे पे अत्याचार हुए, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, पता नहीं क्या क्या किस किस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए। और अभी थोड़े दिन पहले कलमुहा कलमुहा, है ना, उस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए। और अचानक से अब जो है छोटी पूतना को जाना है ससुराल, अपना घर बसाना है, सब कुछ भूल के, मिट्टी पा के, है ना। और अब तो उसको उनकी मतलब अंकुश की माता पे तरस भी आ रहा है। कभी कभी बोल रही थी ना, कभी कभी बड़ा तरस आता है, लेकिन फिर भी सोचती हूँ कि उन्होंने कौन सा मेरे साथ सही किया। तो इस तरह की तमाम अब बातें कर जाइए। वैसे ही इनकी जो चिल्लम है, इनका यही हाल है। मतलब कुछ टाइम पहले तक ये चिल्लम्स कह रहे थे कि जी जी तुम्हें वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, तुम्हारी सास और तुम्हारी ननद बहुत अत्याचारी है, वो कभी नहीं चाहती है तुम उस घर में बसो। मतलब इनका कहना था कि कोर्ट की तरफ से परमिशन तो मिल गई है अंकुश को कि अपनी बीवी और बच्चे को ले जाओ वापस, लेकिन ये जो क्या ये जो इनकी मदर है, इनकी सिस्टर है, वो आने देगी? मतलब मदर ने भी पता नहीं आस पास लोगों में क्या क्या उसके खिलाफ बोला है, सिस्टर भी रिएक्शन चैनल वालों के पास जाके पता नहीं क्या क्या बुलवाते, मतलब तमाम तरह के इल्जाम लगाएगी। लेकिन अब इन चिलम का कहना है कि कुछ तुम अपने बच्चे के बारे में सोचो, अपनी बीवी के बारे में सोचो, तो अपनी माँ के बुढ़ापे के बारे में सोचो, कब तक बेचारी काम करती रहेंगी, मतलब उनके बारे में सोचो, बहू चली जाएगी तो काम काज करेगी, तो उनको रुको रुको जरा, मतलब बहन तुम बहन थी, मतलब बहन के कहलाने के लायक नहीं है, तोतली है। तो इस बड़की मुखिया जो हो तुम, मतलब तुम कुछ टाइम पहले, ये भी थोड़े दिन पहले तक कह रही थी कि भाई ठीक है अपनी पत्नी को ले जाओ, अपना कमरा अलग बना लो, अपनी माता तुम्हारी अलग रहेंगी, पत्नी तुम्हारी अलग रहेगी। तो जब तुम्हारी उसकी पत्नी कुछ की पत्नी अलग रहेगी, मतलब तुम्हारी छोटी पूतना अलग रहेगी, तो वो कैसे माता की सेवा करेगी? जब इस बुढ़ापे में भी उनको अपना खाना पानी खुद ही करना पड़ेगा, तो बेहतर है जो जहाँ वहीं रहे, है ना। और ये भी कहा जा रहा था कि भाई उनको तीर्थ यात्रा में भेज दो, है तमाम तरह की ऐसी बातें की जा रही है। तुम लोगों का कोई स्टैंड है? कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, मतलब जैसे तुम्हारी मालकिन और तुम्हारी छोटी पोतना जीजी तुम्हारी जिस तरह के वो जो है म्यूजिक शुरू कर देती, तुम उसके हिसाब से नाचना शुरू कर देते हो? वाह भाई वाह है। और अब देखिए किस तरह की नई नई कहानियां भी बनाई जा रही है। भाई जब ये अंकुश है वहाँ कोर्ट में गया था, शायद सिरसा साइड या कहीं भी गया था, या शायद अपने ही केस के लिए गया था, तो उनके साथ एक वकील भी थी जो कि लेडी वकील थी ना, लॉयर थी उनकी, रिश्तेदार भी है वो। तो क्या कहानी सामने निकल के आई कि भाई वो जो औरत है जिसके साथ सो कोल्ड कोई गर्लफ्रेंड इनकी बनाई जा रही है, जो कि विवाहिता स्त्री है, वो उनके साथ थी, उसका पति भी उसके साथ है। जब पता चला कि नहीं नहीं वो तो वकील थी, तो क्या कहा जा रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कोई लेडी वकील ऐसी कैसे जेंट्स के साथ रह सकती है? तो मूर्ख औरत, एक लेडी, एक औरत, ये लड़की आजकल चांद तक पहुंच रही है मर्दों के साथ, है ना। ये जो तुम्हारा कोर्ट रूम होता है उसमें क्या सारी औरतें भरी पड़ी होती है? वहां इक्का दुक्का नाम मात्र की महिलाएं होती है, अदरवाइज सारे के सारे पुरुष होते हैं। वहां वकील होती है ना, कई बार जज भी एक औरत होती है, सिर्फ वकील होती, बाकी मर्द होते। तो क्या वहां भी अपने साथ 8-10 महिलाएं लेके जाती है वो वकील? मतलब कुछ भी बोलना है ना, कुछ भी मुंह फाड़ना, जब तुम्हारी कहानी सच साबित नहीं होती, फिर कहती क्या कहती मोटे प्रूफ तो प्रूफ कहां दिए तुमने? प्रूफ आज तो कोई प्रूफ नहीं दिया, वो चैटिंग जो फेक चैटिंग तुम दिखाती हो, जो खुद आजकल दो दो फोन सबके पास, दो दो तीन तीन फोन है, एक फोन से एक आईडी बना लो, दूसरे से दूसरी बना लो, आपस में चैटिंग करते रहो और वो दूसरों को दिखाते रहो, देखो जी देखो ये है अंकुश चीजा की चैटिंग, देखो जी देखो ये है उसकी गर्लफ्रेंड की चैटिंग। मतलब ऐसे की कई बेवकूफाना सबूत हम भी इकट्ठा कर सकते, लेकिन हम तुम्हारे जैसे बेवकूफ नहीं है क्या? ठीक है ठीक है। अब चूंकि वो वाली कहानी जो है वकील है वकील वाली खत्म हुई कहानी, तो अब नई कहानी कल परसों से क्या स्टार्ट कर दी है इन तोतलियों ने, बोलना तोतली से बोलना, बाकी भी चल तोतलियां ही है, कि भाई अंकुश जीजा और हमारे जीजी जो मिले थे पहाड़ी पे है जी स्कूल के बाहर, तो कई जो लोकल व्यूअर्स उन्होंने देखा उनको मिलते हुए सच में। मतलब देखिए चलो मान लेते हैं कि तुम्हारा जो कागजी जीजा है वो छुपा रहा है, नहीं बताना चाहता है लोगों को भी हम मिल रहे हैं, हमारा पैचअप हो रहा है, हम बात करें, लेकिन तुम्हारी जीजी तो सब कुछ मतलब जो नहीं हुआ वो भी बता रही है, फिर अगर जो हुआ उसको क्यों छुपा रही है? मतलब तुम्हारी जीजी ने भी कहीं नहीं कहा कि मतलब सिर्फ इतना पहाड़ी और गाड़ी, इसके अलावा कोई बात नहीं करी उसने, कहीं नहीं कहा कि हाँ भाई हम लोग मिले हैं। हाँ ये जरूर कहा कि ससुराल पिंड गई थी, मतलब साइड से निकल के गई तो वो ससुराल पिंड हो गया जी।
मतलब देखो झूठे जैसे झूठे ये लोग वैसे इनके सपोर्टर है। तो तमाम कहानियां जो बनाई जा रही बिना मतलब से पहले आरोप प्रत्यारोप करो, करेक्टर पे उंगली उठाओ, है ना। जब लग रहा था कि हमारी जीजी का जो केस वीक हो रहा है, मतलब उधर उसको फटकार मिल रही है कोर्ट से, तो अपनी कहानी बनानी शुरू कर दी, किसी का अफेयर चला दिया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला दिया, कोई विवाहिता स्त्री के साथ होटल में पकड़ा गया, और अब मतलब होटल में पकड़ा गया बंदा, वो कलमुहा बंदा, लेकिन फिर भी ये चाहती है कि इनकी जीजी उस कलमुहे बंदे के पास जाए। क्यों? जब तुम्हें सब पता ही चल गया है कि उसका जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा, बल्कि एक नहीं कई भाभियों के साथ चल रहा है, वो अत्याचारी तो पहले से था, किडनैपर भी था, है कहीं ना कहीं तुम्हारी जीजी की जान को खतरा भी है, तो तुम्हारी जीजी क्यों जाना चाहती है वहां पे? है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी कल तक तुम लोग ये कह रहे थे कि उधर जीजी को हमारी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, तो अब क्यों? मतलब तुम्हारे सिचुएशन के हिसाब से कहानी बनती है। तो दोस्तों मुझे ना सच में इसीलिए हंसी आती है कि इन लोगों की कहानी में इनकी तरह मतलब बेवकूफाना होती है, जैसे ये खुद बेवकूफ है। पहले सेक्शन 9 लगाए रखा है इन लोगों ने, और अब नई नई कहानी है कि भाई कभी किसी महिला के साथ पकड़ा जाता है इनका कागज जीजा, तो कभी अपनी ही महिला के साथ अपनी कागज पत्नी के साथ पकड़ा जा रहा है लोगों के द्वारा, है ना। और इनका कहना कि भाई जीजा तुम छुप क्यों रहे हो, तुम्हारी पत्नी ही है, कोई मतलब कोई बुरी बात नहीं, अपनी पत्नी के साथ ही पकड़े गए हो। तो भाई अगर चलो कागज पति को तो नहीं घर बसा रहा इसलिए नहीं बता रहा है, तुम्हारी जीजी को अगर घर बसा रहा तो वो क्यों छुपा रही? उसने क्यों नहीं बताया कि वो कागजी पति से मिली, स्कूल के बाहर मिली है? बस करो यार, बस करो लोगों को बेवकूफ बनाना। मतलब अब तुम्हारे जो लोग तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे, कब तक तुम्हारा ये चलता रहेगा? मतलब हाला बरीबर करके जो तुम प्रूफ दिखाती रहती हो झूठे सच्चे, बंद कर दो उसको, है। पर तुम्हें इतनी ऑब्सेशन है उन चैनल से जो कि कहीं ना कहीं अंकुश को सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हारा खाना ही नहीं पचता उनके नाम लिए बिना। कभी लाइव वालों के पीछे पड़ जाती हो, कभी रशि चैनल वालों के पीछे पड़ जाती हो, कभी किसी को किस नाम से पुकारती हो, कभी किसी को किस नाम से पुकारती हो, भाई उनका पीछा छोड़ दो। तुम्हें सपोर्ट करना, अपनी जीजी को सपोर्ट करो, है ना, उनका पीछा छोड़ दो। कोई तुम्हें मुंह नहीं लगाना चाहता तो क्यों जबरदस्ती फिर कहती हमारे बारे में बात होती? कोई नहीं करता भाई तुम्हारे बारे में बात, तुम्हें फालतू में पीछे पड़े रहते लोगों के, तो बस कर दे। तो चलिए गाइस अभी के लिए इतना ही काफी है। मुझे सच में बहुत हंसी आती है, कभी तरस भी आता है इन बेवकूफ लोगों पे कि कब तक ये कहानी बना के अपना यूं कारोबार चलाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।